आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू सेम की सूखी मसालेदार सब्जी। तो चलिए ये रेसिपी आप सबको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने प्याज एक बड़े साइज का जिसे हम बारीक कट कर लिए हैं और यहाँ पर हमने ढेर सारे लहसुन के कलिए लिए हैं और दो मीडियम साइज के आलू जिसे हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए हमने सेम लिए हैं। तो सेम के जो किनारे किनारे के नस होते हैं ना इसे हमने निकाल के और देखिए इस तरीके के पीसेज में हमने इसे कट कर लिया है। तो बस सेम इसी तरीके से सेम के पीसेज आप सबको भी करना है। तो चलिए हम इसी इंग्रेडिएंट के साथ सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने लिया है एक कढ़ाई, तो बस इसमें हम एक बड़े चम्मच तेल ऐड करते हैं। इसके बाद इसमें हम सेम को फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देते हैं और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देते हैं। नमक और हल्दी का फ्लेवर सेम में बहुत ही अच्छे से चले जाते हैं, इससे सेम की सब्जी और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो बस इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए सेम खूब अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट लगे हैं, तो बस इसे हम किसी अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए तेल में 1 चुटकी हम हींग ऐड कर देते हैं और 2/4 चम्मच इसमें हम मेथी ऐड कर देते हैं। 1/2 चम्मच काला राई भी ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ में इसमें साबुत लहसुन भी ऐड कर देंगे। तो इसे हम 30 से 40 सेकेंड गोल्डन ब्राउन भून लेते हैं। हल्का लाइट ब्राउन हो गया है तो इसमें हम प्याज भी ऐड कर देते हैं। तो बस इसे हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बस इसमें अब हम मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो 1/2 चम्मच लाल पाउडर, 1/4 नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी पाउडर, 2 टमाटर ऐड करेंगे। तो 1 टमाटर में 2 फाली कर दिए हैं। तो बस इसे हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन मसालों को हम खूब अच्छे से भून लेते हैं। पानी हम इसलिए ऐड किए हैं जो मसाले होते हैं सूखे होते हैं तो इससे बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं पानी के साथ मसाले भी। तो इसमें हम आलू भी देखिए ऐड कर देते हैं। तो बस इन मसालों के साथ हम आलू को भी पका लेते हैं। तो बस इसे हम ऐसे ढक कर इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो लीजिए 4 मिनट हो गए हैं और मसाले और जो आलू हैं बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। तो बस हम इसमें से चेक करते हैं आलू पके हैं या नहीं। तो लीजिए मसाले भी पक गए हैं और आलू जो है वो भी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो बस इसमें अब हम सेम ऐड कर देते हैं फ्राई किया हुआ। तो लीजिए सेम भी ऐड हो गया है। तो बस देखिए इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है क्योंकि सेम भी फ्राई किया हुआ है और मसालों के साथ आलू भी पक गए हैं और मसाले भी पक गए हैं। तो बस इसे हम 2 मिनट मात्र पकाएंगे। तो लीजिए 2 मिनट हो गया और ये आलू सेम की सूखी मसालेदार सब्जी बनके रेडी हो गया है। सच में ये सब्जी बहुत ही टेस्टी है, तो आप सब भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और जो भी मेरे भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में घंटी को दबाएं जिससे कि हमारा आने वाला नया नया वीडियो कोई भी आप मिस ना कर पाए। तो चलिए आज की रेसिपी यही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।